हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांगड़ा जिले में इंसेंटिव केयर यूनिट आईसीयू बेड की उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही है। गंभीर मरीजों के लिए एक भी आईसीयू बेड नहीं बचा। जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब गंभीर स्थिति के समक्ष खुद को बेबस महसूस कर रहा है। यदि बात की जाए वर्तमान की, तो गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए सिर्फ 40 आईसीयू बेड हैं, जो कि सिर्फ टांडा अस्पताल में है। इसके अलावा किसी अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं है और निजी अस्पतालों में सिर्फ कम दामों के चलते 3 निजी अस्पताल अपने आईसीयू बेड सरकार को नहीं देंगे। ऐसे में प्रशासन अब कोरोना मरीजों को लेकर परेशान है। सुबह जब अस्पताल में मरीज भेजे जाने लगे तो टांडा अस्पताल के स्टाफ ने हाथ खड़े कर दिए। हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें दो ही चीजें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। तो अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है। कांगड़ा में रोजाना 500 से अधिक मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं और 10 से अधिक मरीजों की हर रोज मौत हो रही है। ऐसे में स्थिति भयावह होती जा रही है। लापरवाही का यह आलम है कि अस्पताल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और जो 40 आईसीयू बेड है वह भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोग आखिर कहां जाएं।